Hey guys, what's up? I am Tokredits. Welcome back to my channel. So guys, कैसे मेरी edits army? I hope आप लोग हमेशा की तरह एकदम मस्त ही होंगे. Okay guys, तो guys आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि guys आप लोग एक रेन का कॉन्सेप्ट की फोटो एडिटिंग कैसे कर सकते हो, जो कि अभी मैंने रिसेंटली इंस्टाग्राम पे अपलोड करी थी. अगर आप में से जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो उसने वो कॉन्सेप्ट देख लिया होगा, तो इसलिए मैं कहता हूँ इंस्टाग्राम पे मेरे से कनेक्ट ट्राई करो, वहाँ पे मुझे फॉलो कर लो जल्दी से, ठीक है. एंड गाइज, हाँ मैं जानता हूँ हमारे चैनल पे काफी दिनों के बाद कोई कॉन्सेप्ट आ रहा है यानी, बट दिक्कत लेने कोई बात है नहीं, धड़ाधड़ कॉन्सेप्ट आने वाले मैनिपुलेशन के. एंड मैं गाइज जल्दी फोटोशॉप की भी स्टार्ट करने वाला, जिसमें आपको फोटोशॉप के ट्यूटोरियल्स दूंगा. तो कमेंट करके बताना आप लोग किस किस लोगों को फोटोशॉप के ट्यूटोरियल्स चाहिए. अब आते इस कॉन्सेप्ट के ऊपर. तो गाइज ये कॉन्सेप्ट जो मेरा होने वाला रेन कॉन्सेप्ट में, जो कि मैंने थोड़ा सा डीप में इस तरह का पोस्ट करके फोटो क्लिक कराई है, जिसमें मेरे चारों तरफ लाइटिंग है, जो कि काफी ज्यादा डोप कॉन्सेप्ट लग रहा है. तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरा बताने वाला हूं. एंड गाइज जो भी मैं इस कॉन्सेप्ट के अंदर बैकग्राउंड एंड पीएनजी यूज करूंगा, सबका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर. एंड गाइज अगर आपको पीएनजी या बैकग्राउंड डाउन करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है, सिंपली आप मुझे इंस्टाग्राम मैसेज करके पूछ सकते हैं, इस यूजर ने मेरा यहीं कहीं आ रहा होगा. एंड अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है. सो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गो फॉर इट. ओके गाइस, तो गाइस इस कॉन्सेप्ट के लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना गाइस, सबसे पहले आप लोगों को कुछ इस तरह के पोज देते हो, एक फोटो क्लिक करानी, जैसे मैंने यहाँ फोटो क्लिक करा रखी है. सो एंड उसके बाद हमें अपनी फोटो को क्या करना है, उसका बैकग्राउंड जो है इरेज करना है एंड उसका पीएनजी बना लेना है. तो आई होप आप सब लोगों को पता ही होगा बैकग्राउंड कैसे इरेज करते हैं, ठीक है. तो मेरे चैनल पर वीडियो अगर आपको देखनी हो जाकर देख सकते हो कि बैकग्राउंड कैसे इरेज करना है. तो इसका हमने पीएनजी बना लिया, ठीक है. देन उसके बाद गाइस आपको बैक करना है. एंड गाइस पोज आप इस तरह का देना चाहो तो आप दे सकते हो, या आपका कोई भी अलग पोज हो आप उस तरह के दे सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. सो उसके बाद गाइस आपको ये बैकग्राउंड लेना है. एंड इस बैकग्राउंड की डाउनलोड लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आप लोग वहां पे जाके इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर सकते हो. तो इस बैकग्राउंड को लेने के बाद गाइस आपको सिंपली जाना है यहाँ पे ऐड फोटो के अंदर. एंड ऐड फोटो के अंदर जाने के बाद गाइस आपने जो पीएनजी बनाया अपने मॉडल का, उसको हमें सेलेक्ट करना है. देन ऐड पे क्लिक करना, अपने मॉडल के पीएनजी को ऐसे बिल्कुल बैकग्राउंड के ऊपर अच्छे से एडजस्ट कर लेना अपने बैकग्राउंड के हिसाब से. देन गाइस उसके बाद मैं क्या करूँगा, जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा मेरे बैकग्राउंड में वाइट लाइटिंग है, तो मुझे अपनी बॉडी पे भी वो लाइटिंग चाहिए. तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, सिंपली क्लिक करूँगा अपने मॉडल के पीएनजी के ऊपर. देन गाइस उसके बाद जाऊँगा यहाँ इरेजर टूल पे एंड इरेज सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से साइज बड़ा, हार्डनेस कम, ओपेसिटी कम, एंड ऐसे अपने बॉडी के एजेस पे मारूंगा. तो जैसे ही मैं एजेस पे ये ब्रश को चलाऊंगा, देखिए गाइस मेरे बॉडी में लाइटिंग यहाँ पे क्रिएट होने लगी. तो मैं इसको साइड साइड के एजेस में यहाँ पे पूरे बॉडी पे मार लेता हूँ, परफेक्ट लाइटिंग क्रिएट कर लेता हूँ. सो गाइस मैंने अपनी बॉडी के बिल्कुल साइड साइड के एजेस में लाइटिंग क्रिएट कर ली, देखिए कितने ज्यादा बढ़िया हमारा इफेक्ट यहाँ पे आ रहा है. सो अब मैं सिंपली यहाँ से डन कर देता हूँ, ठीक है. सो ये हमारा मॉडल का पीएनजी यहाँ पे लग चुका है. देन गाइस के बाद हमें क्या करना है, इसके बाद चलना हमें ऐड फोटो के अंदर. एंड यहाँ पे जाने के बाद गाइस मैं कुछ पीएनजी ऐड करूंगा इसके अंदर, जो कि पूरा हमारे कॉन्सेप्ट को रेडी करेगा लाइक दिस. जैसे मैंने यहाँ पे ये लाइट का पीएनजी बना रखा है, तो उसको ऐड पे क्लिक करना एंड इसका साइज अपने बॉडी के हिसाब से मैं सिलेक्ट कर लूंगा ऐसे. एंड ब्लेंडिंग पे जाके स्क्रीन कर देना, ताकि जो भी इसका ब्लैक वाला एरिया है वो इरेज हो जाए. एंड अपनी बॉडी के हिसाब से सही से इरेज कर लेना, बिल्कुल परफेक्ट है ये. सो अब मैं डन कर देता हूँ. सो यहाँ मैंने यहाँ पे लाइटिंग लगा लिया. सो मेरा गूगल्स कुछ इस तरीके का है जिसमें रिफ्लेक्शन पड़ता है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैंने एक लाइटिंग बनाई रखी थी यहाँ पे, ये वाली लाइटिंग जो कि मैंने अपने पुराने कॉन्सेप्ट में और भी यूज़ करा है. तो इसको मैं अपने गूगल्स के ऊपर यहाँ पे लगा दूंगा चश्मे पे, एंड इससे काफ़ी अच्छा हमारा कॉन्सेप्ट में लुक आएगा एंड ये देखने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा. तो सबसे पहले मैं इस वाले चश्मे पे लगा देता हूँ एंड एक इसका डुप्लीकेट करूँगा, उसको थोड़ा सा टेढ़ा कर देता हूँ, रोटेट करके साइड लगा देता हूँ. सो देखिए गाइस मैंने यहाँ पे लगा दिया, आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बहुत ही यहाँ पे कहीं आप रेस वेस करना इतने ज़्यादा हमें नीड नहीं है, क्योंकि बहुत छोटा पीएनजी इतना हमें हाईलाइट भी नहीं होगा. बट लगाने के बाद हमारे ये कॉन्सेप्ट में काफ़ी अच्छा लुक देगा, देखिए बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है. सो अब मैं क्या करूँगा गाइस, अब मैं लगाऊंगा यहाँ पर रेन का पीएनजी जिसमें बारिश हो रही है. तो ऐड फोटो पे जाते हैं, तो ये रहा हमारा रेन का पीएनजी, इसको हमको लेना है एंड इसका साइज ऐसे फुल कर देना
ब्लेंडिंग पे जाना है आपको, देन स्क्रीन कर देना, ये आपका रेन का पीएनजी लग जाएगा। बट गाइज अभी आपको यहाँ से ओके नहीं करना, अगर आपके फेस में रेन ज़्यादा आ रही है, जैसे मेरे फेस की स्किन पे आ रही, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इतना बिल्कुल परफेक्ट है, एंड फिर डन कर देना है, ठीक है। सो अब हमारा ये वाला पीएनजी लग चुका है, एंड अब हमारे कुछ पार्टिकल्स के पीएनजी लगेंगे ताकि वो हमारे कॉन्सेप्ट के लाइटिंग वगैरह को बिल्कुल मैच कर दे। सो ऐड फोटो पे जाना है हमें, वही यहाँ से लाइटिंग लेनी है, एंड यहाँ पे लेने के बाद ये वाला पीएनजी को ऐसे करना है, एंड ब्लेंडिंग पे जाके स्क्रीन कर देना, जो भी इसके पीछे ब्लैक एरिया है वो सारा इरेज हो जाएगा, देन आपको स्क्रीन करना, ठीक है। तो जैसे ही हमने स्क्रीन करा, देखिए गाइस यहाँ पे बिल्कुल बढ़िया पार्टिकल्स लग चुके हैं, एंड नीचे से हमारा फील्ड लुक आ रहा है। तो होता नहीं, जैसे बारिश होती है तो भाई थोड़े छोटे पार्टिकल्स उड़ते हैं, तो इस तरीके के मैंने ये पार्टिकल्स लगा दिए यहाँ पे। सो हमारा जो पिक्सआर्ट का काम था वो हमारा सारा हो चुका है, अब हमें इस फोटो को लेके चलना है लाइटरूम बाबा के अंदर, एंड वहाँ पे हम करेंगे इसके अंदर कलर ग्रेडिंग, जिससे हम अपनी फोटो में बिल्कुल टॉप सी कॉन्सेप्ट रेडी कर देंगे, ठीक है। तो जल्दी से मैं इसको लाइटरूम बाबा एप्लीकेशन के अंदर ऐड कर लेता हूँ। सो गाइस हमारी फोटो यहाँ लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर ऐड हो चुकी है। तो गाइस सबसे पहले हमें क्या करना है, गाइस सबसे पहले हमें यहाँ पे जाना है, फोटो की कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाना है ऐसे, क्योंकि फोटो काफ़ी तो फेड हो चुकी थी, एंड ब्लैक को ऐसे कम करना है, ठीक है। देन उसके बाद गाइस मैं जाऊँगा कलर मिक्सर टूल पे, एंड यहाँ पे जाने के बाद जो गाइस हमारे फेस का कलर है उसकी सैचुरेशन को माइनस में करूँगा ऐसे करके, एंड हल्का सा ल्यूमिनस को इंक्रीज करूँगा, बिल्कुल परफेक्ट है, देखिए बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। देन गाइस उसके बाद हमें चलना है इस वाले टूल पे, फोटो की जो विग्नेट है हमें कम करना है ऐसे, बिल्कुल परफेक्ट है। देन गाइस इसके बाद हमें इस वाले टूल पे जाना है, आपको थर्मामीटर से दिख रहा होगा, फिर इसके बाद गाइस आपको इधर इस टूल पे जाना है, एंड यहाँ पे जाने के बाद गाइस आपकी अपनी फोटो की जो है शैडो एंड अपने हाईलाइट को कलर को सिलेक्ट करेंगे। तो शैडो के जो हम कलर रखेंगे वो रखेंगे ब्लू, सो ब्लू के पास ऐसे लेके जाता हूँ, परफेक्ट है। एंड हाईलाइट को गाइस हम हल्का सा येलो की तरफ लेके जाएंगे ऐसे, दैट्स गुड, इतना बढ़िया लग रहा है, इतना सही है। सैचुरेशन हल्की सी इंक्रीज कर लेता हूँ, परफेक्ट, एंड डन कर देना है। देख गाइस अभी तक मैंने बस हल्का सा इस फोटो के अंदर अपना हाथ चलाया, देखिए कितना बढ़िया इफेक्ट आ गया, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। बट गाइस अभी लाइटिंग को हमें मैनेज करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, इधर जाएंगे इस वाले टूल पे जहाँ सूरज आपको दिख रहा होगा, देन कर्व वाले सिलेक्शन पे जाना है आपको, एंड यहाँ पे जाने के बाद ये वाइट वाला सिलेक्ट करना है, ओके। तो सबसे पहले आपको एक डॉट यहाँ पे बना लेना है इस एरिया पे, देन इसका मैं हल्का सा ऐसे ऊपर करूँगा ताकि थोड़ा फोटो में डार्क लुक आए, एंड इस वाले को यहाँ पे बीच में सेलेक्ट कर दूंगा, एंड इसको मैं नीचे करूँगा, एंड हल्का सा फेड लुक दूंगा, इसको ऊपर करूँगा हल्का सा ऐसे, बिल्कुल परफेक्ट है, एंड और कुछ करने की जरूरत नहीं, डन, परफेक्ट है। थोड़ा सा बस फेड दे देता हूँ फोटो में, थोड़ा फेड कर देता हूँ, इतना परफेक्ट है। सो गाइस देखिए हमारी फोटो में, अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारी फोटो पहले कैसी थी एंड अब कैसी, देखिए बिफोर हमारी फोटो कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हो, फोटो में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा फोटो को देखने में, एंड आफ्टर हमने लाइटरूम के अंदर इसके अंदर कलर ग्रेडिंग करी, थोड़ी बहुत करी है मैंने, बस ज़्यादा करी नहीं, देख कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मैं जूम करके एक और बार दिखाता हूँ आपको, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर, फोटो का कौन सा हमारा काफ़ी डोप लग रहा है। सो अगर आपको हल्का फुल्का यहाँ से लास्ट में जाके लाइटिंग वगैरह मैनेज करने, तो आप लोग कर सकते हो, जैसे मैं शैडो को हल्का सा इंक्रीज कर देता हूँ एंड वाइट को कम इंक्रीज कर देता हूँ, परफेक्ट है। सो यहाँ पे हमारी फोटो पूरी एडिट हो चुकी है, कलर को टोन भी काफ़ी बढ़िया इसके अंदर डल चुका है। सो अब हमें क्या करना है गाइस, हमें इस फोटो को HD में सेव करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें जाना है शेयर पे, एक्सपोर्ट पर जाना है, एंड यहाँ पे JPG सेलेक्ट करना है लार्ज 100%, एंड फिर उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, राइट पे क्लिक करना है, एंड ये आपकी फोटो आपकी कॉन्सेप्ट सेव हो गया आपके मोबाइल में HD में, अभी बिल्कुल रेडी आपके लिए इंस्टाग्राम पे अपलोड करने के लिए। सो गाइस आई होप आपको समझ आ गया होगी गाइस, आप लोग भी इस तरह की रेन का कॉन्सेप्ट कैसे रेडी कर सकते हैं, एंड मैंने सारे आपको बैकग्राउंड PNG आपको नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आप लोग वहाँ पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। एंड गाइस मैंने अपने मॉडल का PNG भी दिया ताकि आप लोग मेरी फोटो के ऊपर ये कॉन्सेप्ट पहले प्रैक्टिस कर सको या ट्राई कर सको, ठीक है। सो गाइस बस यही था इस वीडियो के अंदर। सो गाइस कैसी लगी वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, एंड गाइस अगर आपको इस वीडियो के अंदर से कुछ भी सीखने को मिला, इतना सा भी सीखने को मिला ना, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, एंड गाइस कमेंट करके बताना आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, किस कॉन्सेप्ट पे चाहिए, आपके माइंड में जो भी हो कमेंट जरूर करना, मैं सब कमेंट रीड करता हूं। सो गाइस चलते मैं आपको मिलता हूं कोई अगली बढ़िया सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, पीस, लव यू ऑल, बाय।